नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अमोल केड़कर है। मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ और सेक्सोलॉजिस्ट हूँ, और मैं केड़कर हॉस्पिटल रामदासपेट में अकोला, जो महाराष्ट्र स्टेट में है, इंडिया में प्रैक्टिस करता हूँ एज अ सेक्सोलॉजिस्ट। आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो बहुत ही कॉमन टॉपिक है, जिसका नाम है मास्टरबेशन या हस्तमैथुन या हाथ से क्रिया करना। मास्टरबेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? बहुत सारे लोग हैं जिनको मास्टरबेशन से लेकर बहुत सारे निगेटिव और गलत गलत मिथ तैयार हो गए हैं, इसलिए मैंने सोचा ये मास्टरबेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये लोगों के सामने लाया जाए। मास्टरबेशन या हस्तमैथुन क्या है? मास्टरबेशन मतलब हाथ से लिंग को घिसना या कोई भी वस्तु से लिंग से अटैच करना, उसको बोलते हैं हस्तमैथुन या मास्टरबेशन। क्या मास्टरबेशन करना नॉर्मल है या स्वाभाविक है? हाँ बिल्कुल, मास्टरबेशन करना बहुत ही नॉर्मल फिनोमिनन है, बहुत ही स्वाभाविक है। मास्टरबेशन होता क्या है? मास्टरबेशन से सेक्सुअल टेंशन जो है वो रिलीज हो जाता है, और कोई भी पुरुष या स्त्री को ऑर्गेजम मिलता है, प्लेजर मिलता है और सेक्स की पूर्ति मिलती है। मास्टरबेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको जब सुनेंगे तब धक्का मिलेगा। मास्टरबेशन 90% मेल्स में कॉमन है, 90% पुरुष मास्टरबेशन को फॉलो करते हैं। सिर्फ फर्क इतना है कि वो लोग हमारे यहाँ हमको मिलते नहीं है, तो हमको ऐसा लगता है कि यार मैं ही मास्टरबेशन कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। करीब करीब 90% पुरुष मास्टरबेशन करते हैं, और उससे भी इंटरेस्टिंग फिगर्स ये है कि 65% फीमेल्स मास्टरबेशन करती है। इसलिए मेरा ये कहना है कि मास्टरबेशन करना बहुत ही नॉर्मल है। मास्टरबेशन तब प्रॉब्लमेटिक हो जाता है जब वो एक एडिक्शन बन जाता है या ऑब्सेशन बन जाता है। मतलब पब्लिक में मास्टरबेशन करने की इच्छा होना या ऑब्सेसिव तरीके से मास्टरबेशन करना, बीवी रोमांस करने के लिए बुला रही है फिर भी मास्टरबेशन करना, या मास्टरबेशन की एडिक्शन लग जाना, लत लग जाना, तब ये प्रॉब्लमेटिक है। अदरवाइज मास्टरबेशन करना कोई भी प्रकार से हानिकारक नहीं है। मास्टरबेशन से एक्चुअली सेक्स की पूर्ति होती है और पूरी तरह सेक्सुअल टेंशन कम हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि मास्टरबेशन करने के कारण मैं कमजोर हो चुका हूं, मुझे बीमारी हो गई है, मैं थक गया हूं, मेरा काम पे ध्यान नहीं लग रहा, तो ये पूरी तरह गलत मिथ है। बहुत सारे लोग इसके बारे में गलत गलत बातें करते रहते हैं, तो इसके कारण लोगों में ऐसा निगेटिव मिथ तैयार हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी होता नहीं है। बहुत सारे पेशेंट हमारे यहाँ आते हैं जो बोलते हैं कि मेरे पुरानी गलती की वजह से मैं आज अनसक्सेसफुल हूं मेरी सेक्सुअल लाइफ में, मेरी पुरानी गलती की वजह से आज मैं अच्छा कर नहीं पा रहा हूं, मेरी पुरानी गलती की वजह से मैं आज अनसक्सेसफुल हूं। तो मैं पूछता हूं कि पुरानी गलती क्या है? तो लोग बोलते हैं कि पुरानी गलती मतलब मैंने बचपन में बहुत ज्यादा मास्टरबेशन किया है, दिन में 2 बार 5 बार मास्टरबेशन किया है। तो मैं उन्हें समझाता हूं कि मास्टरबेशन करना कोई भी गलत चीज नहीं है। मास्टरबेशन ये बहुत ही नॉर्मल फिनोमिनन है, ये हम आप सभी लोग करते हैं, और इसे करने पर आदमी को सुकून मिलता है, और ये डेफिनेटली आप कर सकते हैं। प्रॉब्लम तब तैयार होता है जब मास्टरबेशन करने से साइकोलॉजिकल इंपैक्ट आने लगता है। जैसे बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि मास्टरबेशन करने के कारण मेरी एंजाइटी बढ़ रही है, मुझे गिल्ट भावना आ रही है, मुझे इंफेरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो रहा है, मुझे कम पना लग रहा है, मैं डिप्रेशन में जा रहा हूं, मुझे एंजाइटी हो रही है, तब मास्टरबेशन की ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। बहुत सारे लोग मुझे बताते हैं कि मास्टरबेशन करने के कारण मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, मुझे एम्प्लॉयमेंट छोड़नी पड़ी, मेरे को सेक्सुअल रिलेशनशिप में मेरे को हैम्पर हो रहा है। तो मैं उन्हें बोलता हूं कि आपको काउंसिलिंग की जरूरत है। मास्टरबेशन से यदि आप प्रभावित है और अधिक जानकारी आपको चाहिए, तो आप डेफिनेटली मेरे पास काउंसिलिंग के लिए आइए। हम उस टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट है, हम आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं मास्टरबेशन के कारण, तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूं, वो ये है कि करीब करीब 30% पुरुष शादी के बाद भी, वाइफ के होने के बाद भी मास्टरबेशन करते हैं। तो इसी का मतलब है कि मास्टरबेशन करना ये कोई बुरी बात नहीं है। जैसे मैं सिंपल भाषा में समझाता हूं, बहुत सारे लोग जिम करने जाते हैं और अपनी मसल्स को, अपने बाइसेप्स को एक्सरसाइज करके बढ़ाते हैं, वैसे ही पेनिस में, लिंग में भी मसल्स होते हैं और ब्लड वेसल्स होते हैं। तो उसे एक्सरसाइज करने के कारण, बार बार हिलाने के कारण एक्चुअली पेनिस हेल्दी रहेगा, यानी निरोगी रहेगा, उसमें कोई भी बीमारी होगी नहीं, इतना सेफ मास्टरबेशन है।
मास्टरबेशन की अधिक जानकारी के लिए और काउंसलिंग के लिए मुझे जरूर मिलिए। मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो ये वीडियो को लाइक करिए, मेरे वीडियो को फॉलो करिए, मुझे सब्सक्राइब करिए। मैं और भी वीडियोस लेके आऊँगा। मैंने नंबर दिया है, उसमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं उसके द्वारा भी आपको कॉन्टैक्ट कर सकूँगा। धन्यवाद।